अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने सलाला विज़िट के दूसरे दिन की रुएदाद आपके साथ शेयर करूंगी। और ये तो पहला दिन था जिसकी हमने आपको कुछ झलकियां दिखाई। हम वादी दरबार गए थे और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे वहाँ के, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हम वहाँ की सैर से। तो दूसरा दिन जो था वो एक और बहुत अहम मकाम है सलाला का, वहाँ हमने जाना था, उसे देखना था। और सुबह जो है वो नाश्ते के लिए हमने एक पाकिस्तानी होटल ढूंढा। हाँ, बहुत मज़े का नाश्ता था, बहुत मज़े की हलवा पूरी हमने खाई यहाँ पर। और इससे पहले तो आपको मैंने बताया ही था कि हमने अरबिक स्टाइल का ब्रेकफास्ट किया था, नाश्ता किया था। बहरहाल वो भी बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा है। खाने के मामले में हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई, हमने जितने यहाँ पर जायके चखे सभी बहुत अच्छे थे। तो जनाब, दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं ये है सलाला शहर। बिल्कुल आम शहरों की तरह हर सहूलत यहाँ पर मैसर है, कोई परेशानी नहीं। रिहायश, होटल, खाने पीने से लेके इलाज मुआलजे तक बेहतरीन शहर है। हम जा रहे हैं, इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है और हम रवाना वहाँ हैं एक बहुत ही तारीखी अहम मकाम की तरफ, और जो हमारे लिए बहुत अकीदत का भी एक बायस है, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगी साथ साथ। शहर में तो धूप थी, इतने बादल नहीं थे, लेकिन जिस जिस तरह हम आगे बढ़ते गए तो हमें दूर से पहाड़ नज़र आने लगे जो धुंध में लिपटे हुए थे। और इन्हीं पहाड़ों की तरफ हमने जाना है और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हमें दूर से देखने को मिले। लेकिन उससे मज़ेदार चीज़ हमने रास्ते में देखी। ये आप देख सकते हैं, ये जो है फेस्टिवल का समा था, बच्चों के झूले थे, पार्क्स थे, इर्द गिर्द रोड के दोनों तरफ हमें नज़र आ रहे थे और लग रहा था कि सलाला में ज़बरदस्त सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है ये पहला साल था जब सलाला में टूरिस्ट एक्टिविटीज़ देखने में हमें मिली और लोग बहुत खुश थे। न सिर्फ ये कि ओमान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आए थे, बल्कि यूएई, सऊदी अरब वगैरह से भी यहाँ पर बहुत हमें गाड़ियाँ नज़र आईं जो बाय रोड पूरे पूरे ख़ानदान के साथ जो है वो सफ़र करते हुए आए, जिनमें बच्चे बड़े सभी शामिल थे। और यहाँ आपको इन ममालिक की गाड़ियाँ जो है वो देखने में बहुत मिलती हैं खरीफ के इस मौसम में। तो ये साल वैसा ही एक साल था कोरोना से पहले सालों की तरह, जब यहाँ रौनक हुआ करती थी। बहरहाल अब हम इस एरिया से तो निकल चुके हैं और अब हम आगे जा रहे हैं थोड़े बुलंद मकाम की तरफ। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बादल नज़र आ रहे हैं और धुंध नज़र आ रही है, और क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं दोनों तरफ, चारों तरफ, हर तरफ। ख़ास तौर पर अरब ममालिक के बारे में जो हमारे जहन में एक तसव्वुर होता है, या यहाँ जो लोग रहते हैं जिस किस्म का लैंडस्केप वो देखते हैं, वो जो है उनके लिए बहुत हैरत का मकाम होता है जब इस तरह का नज़ारा नज़र आता है। ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है इस शहर में, और एक करम है कि इन तीन महीनों में इस तरह की बहार आती है यहाँ पर, और पहाड़ और मैदान जो हैं वो झूम उठते हैं। और एक ये सबसी जो एक बूटी होती है, ये पूरी जो है ये हर तरफ जो है ये नज़र आती है, ये उभर के आ जाती है सामने। तो वही नज़ारे देखते देखते हम आगे जा रहे थे। और जनाब, आज हम जा रहे हैं अल्लाह ताला के बहुत बरगजीदा पैगंबर, जिनका जिक्र कुरान हकीम में है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ। और ये जो है कहा जाता है बाज़ रिवायतों में मुस्तनद तरीन मकाम है उनकी, जो जहाँ उनका रोज़ा है, और उनसे मुतालिक और भी जगह हैं। तो रास्ते में जो है वो गाड़ी जो है वो रुक रुक के जा रही थी, क्योंकि धुंध भी थी, रास्ता लंबा भी था, और हमारे बेटे की ख्वाहिश थी कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह पतंग उड़ाए, क्योंकि यहाँ पर हवा जो है वो खासी तेज़ थी। तो यहाँ उसे मौका मिल गया, एक जगह हमने स्टॉप ओवर किया। और अब जनाब हम आ गए हैं ऊपर, और आप देख सकते हैं कि धुंध बढ़ती जा रही है और विजिबिलिटी बहुत ही कम होती जा रही है। तकरीबन जो है वो विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 5-6% ही होगी। और ये देख सकते हैं आप इर्द गिर्द मुख्तलिफ इमारतें और गाड़ियाँ पार्क करके जो है वो लोग खड़े हो जाते हैं, कोई मौसम इंजॉय करता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ता है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत रास्ते, बहुत ही खूबसूरत मोड़, और अल्लाह ताला ने क्या खूब जगह जो है वो अता फरमाई अपने बरगजीदा बंदे को। आप देख सकते हैं किस कदर जो है वो खूबसूरत जगह है और धुंध ही धुंध है।
और जनाब ये बोर्ड नज़र आ गया है, बिल्कुल हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब पहुंच चुके हैं। ये रास्ता उनके रोज़े के तरफ जाता है और धुंध ही धुंध है हर तरफ। फ़िलहाल हमें कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो पार्क्ड हैं, और हम भी कहीं गाड़ी पार्क करके आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ जो है वो खासी भीड़ है, और ये सलाला जो लोग आते हैं वो जिन जिन मकामात की ज़्यारत को जाते हैं, जहाँ सैर करने जाते हैं, उनमें से ये एक बहुत अहम मकाम है और काबिल दीद भी है और हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। तो जनाब यहाँ पे भी बाहर नज़र आ रही हैं बहुत सारी टेम्प्रेरी जो शॉप्स होती हैं वो, और वहाँ लोगों की भीड़। तो जनाब अब जो है वो गाड़ी वगैरह पार्क हमने कर दी है और अब हम जो है वो ये देखें हम रोज़े की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और इसके साथ ही बिल्कुल बाहर जो है ये शॉप्स हैं, और उसी तरह की शॉप्स हैं जिस तरह की हमें जो है वो वादी दरबार में और दूसरे रस्तों में देखने को मिली। कड़क चाय भी जनाब यहाँ मिलती है, और जूसेस और फ्रूट्स और स्नैक्स जो है वो सब कुछ यहाँ दस्तयाब है। जनाब ये है दरवाज़ा जो जाता है कब्र मुबारक की तरफ, यहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे और आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल अब बाहर जो है इसके जो इनकी बाउंड्री वॉल है, इसके बाहर जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में तहरीर थी कि इस मकाम के बारे में ये कयास है, और ज़्यादा करीब तरीन राय यही है कि यहाँ पर ही कब्र मुबारक है और यहीं जो है वो इसी इलाके में जो है आप अलैहिस्सलाम की रिहाइश भी थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब हम जा रहे हैं रोज़े की तरफ। तो जनाब ये देख सकते हैं दूर गुंबद नज़र आ रहा था रोज़े का, और ये मकाम बिल्कुल जो है आपके मज़ार के अहाते में है। ये एक छोटी सी कोई छोटा सा रूम बना हुआ था, और ये सीढ़ियाँ जाती हैं कब्र मुबारक की तरफ। अच्छा ये जो है जगह, ये बिल्कुल कब्र जहाँ पर है उससे थोड़ा बाहर ये है, इसके बारे में कहते हैं कि ये निशान है जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने पाँव मारा था। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया था, जिसका कुरान में ज़िक्र है कि अपना पाँव मारो और पानी का एक चश्मा जारी होगा। तो ये वो निशान हमने अभी आपको दिखाया, और ये लोग जो है ये अंदर जा रहे हैं कब्र की तरफ। ये कब्र मुबारक है आप अलैहिस्सलाम की, ये आप देख सकते हैं आप अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और जो बाद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जा मिले और अरब के इस इलाके की तरफ आकर आबाद हो गए। ये भी इसी कब्र के अंदर ये कुछ जो है उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन है, और जीनियोलॉजी ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से है ये फ्रेम रखा हुआ। सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक की सूरह अंबिया और सूरह स्वाद में हमें मिलता है, तो अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुताला करें कुरान पाक का। यहाँ मज़ार के बाहर जो है वो ख़ास हिदायात दी गई हैं कि यहाँ आप किसी को पैसे नहीं देंगे, किसी किस्म का कोई चंदा नहीं देंगे, बस लोग आते हैं अकीदत से दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह ताला की सलामती हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें सब्र बर्दाश्त तहम्मुल और ईमान का रास्ता दिखाया। तो हमारे लिए ये बड़ी सआदत की बात थी कि हमने इस जगह की ज़्यारत की। अल्लाह ताला जो है वो सब्र अय्यूब की तरह ही सब्र अता फरमाए और उन्हीं की तरह तकलीफ़ों और आजमाइशों से हम सबको निकाले। आमीन सुम आमीन।
अच्छा जी, अब हम जो है वो बाहर आ गए हैं उस कमरे से जहाँ पर कब्र मुबारक थी, और उसी कमरे से मुत्तसिल ये जगह है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। इसीलिए जो है यहाँ पर कुछ आपको नज़र आएगी, एक चटाई बिछी हुई है कादी जान नमाज के, यहाँ लोग अब इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो ये वो जगह है, ये भी हमने आपको दिखा दी। अब हम जा रहे हैं मज़ार से जो है बाहर। आज है जुमे का दिन अल्हम्दुलिल्लाह, और जुमे का दिन जो है वो इसी जगह जो है वो हमें मिला। अब हम इस सोच में थे कि जुमे की नमाज जो है वो कहाँ पढ़ी जाए, गो के हम सफ़र में थे और नमाज का वक्त तो जमात का तो नहीं था, लेकिन ये कि कसर जो है वो हमें करनी थी। तो हमें बताया गया यहाँ करीब ही एक मस्जिद है, हम उस मस्जिद की तलाश में निकले। और इन्हीं तरह खूबसूरत रास्तों से होते हुए, ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, यहाँ से होते हुए हम मस्जिद की तरफ जाने लगे। मौसम बहुत ही खुशगवार था, एक अजीब सी ठंडक थी यहाँ पर, और शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ मौसम था। जो सलाला शहर में नीचे मौसम था और यहाँ जो ऊपर मौसम था उसमें बहुत फ़र्क था। इस जगह के मुताल्लिक ये कहा जाता है कि खरीफ के मौसम के अलावा भी जो है वो यहाँ पर मौसम खुशगवार रहता है और बहुत ही पुरसकून किस्म की ठंडक होती है। अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, और विजिबिलिटी जो है वो दोबारा बहुत कम हो गई है, एकदम जो है वो धुंध में इजाफा हो गया है बहुत ज़्यादा। ये है जी मस्जिद, और ये जनाब हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये देखें, यहाँ की मस्जिद में अच्छी बात यह है कि हर मस्जिद के साथ, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मुसल्ला नसा औरतों के नमाज पढ़ने की जगह ज़रूर होती है, वज़ू खाने होते हैं। तो अब मैं भी जा रही हूँ उसकी तलाश में। बस यहीं से आगे जो है वो रास्ता है, ख़वातीन का जो है वो जाए नमाज है, ये आप देख सकते हैं। ये अब मैं प्रेयर हॉल में आ गई हूँ, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक हॉल जहाँ बहुत ही एक पुरसकून सा माहौल है नमाज पढ़ने के लिए। ये अतराफ़ में आप देख सकते हैं, छोटी छोटी कैबिनेट्स में कुरान पाक के नुस्खे हैं पढ़ने के लिए, कुर्सियाँ भी रखी हैं अगर कोई बैठ के नमाज पढ़ना चाहे, और ये जाए नमाज हैं सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है वो जुमे की नमाज अदा की, और थोड़ी देर हम रुके क्योंकि खासी धुंध थी, धुंध जो है वो एकदम बढ़ गई थी, तो हमने मुनासिब समझा कि थोड़ा ठहर के यहाँ से आगे निकला जाए। जैसे ही हमें लगा कि धुंध जो है वो थोड़ी कम हो गई है तो हम रवाना हुए एक और मकाम की तरफ। कहा जाता है कि जो चश्मा आपके ज़मीन पर पाँव मारने के बाद जारी हुआ था वो भी करीब ही है। बहरहाल हम उसकी तरफ जाने लगे। रस्ते में यहाँ जो है वो आपको नीचे की अगर आप तरफ जाएं तो ऊँट मिलेंगे, और यहाँ जो है वो काफ़ी तादाद में हमें ये नज़र आ रही थी गाय भैंसे जो है ये चल रही थी, घास वगैरह चल रही थी। उसकी वजह यह है कि ये जगह गैर आबाद नहीं है, यहाँ करीब जो है वो इनके छोटे छोटे गांव हैं, आबादियाँ हैं जहाँ लोग रहते हैं, माल मवेशी पालते हैं। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी जगह हमने देखा कि गाय का दूध बेचने वाले, और अगर आप नीचे जो है पहले कल जिन जगहों को मैंने आपको दिखाया वहाँ ऊँट का दूध बेचने वाले आपको बॉटल्स में जो है वो नज़र आएंगे। तो यहाँ जो है ये इनका एक ज़रिया हो जाता है, सीज़न में काफ़ी सयाह आते हैं, इनसे चीज़ें वगैरह लेते हैं, दूध ले लेते हैं, कोई फल और छोटी मोटी चीज़ें लेते हैं। अब जनाब हम आ गए हैं उस जगह पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से नीचे उतरकर जो है वो चश्मे हैं, वो हमाम हैं जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर पाँव मारने से जो है वो जारी हुआ था, जिसमें आपने गुस्ल किया था अल्लाह ताला के हुक्म से, उसका पानी पिया था और अल्लाह ताला ने आपको शफा अता की थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जो हैं वो बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो गए थे, बीमारी ने उनको आ लिया था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत माल और दौलत से नवाजा था, औलाद और हर तरह की सहूलत और आसाइश मयसर थी, लेकिन फिर एक मर्तबा जब शैतान ने यह कहा कि आप तो मालदार हैं और खुशहाल हैं, इसीलिए जो है वो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सब्र करते हैं, अगर ये सब कुछ आपके पास ना हो तो आप भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे ना हो, तो शैतान के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया।
उनके माल मवेशी दौलत औलाद सब कुछ उनसे छिन गया, उन्हें बीमारी ने आ लिया। कहा जाता है कि चेचक की बीमारी दुनिया में सबसे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुई। आपको कोढ़ की तरह का मर्ज़ हो गया और वो इतना शदीद हो गया कि आपके पास बैठने वाले आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपसे दूर भागने लगे और सिर्फ़ आपकी अहलिया आपके साथ रह गई जो आपकी खिदमत करती थी। तो उनके साथ आप इस मकाम पर तशरीफ़ ले आए और अपने जहाँ रिहाइश इख्तियार की थी उससे दूर जाकर रहने लगे। कहा यह जाता है कि यह बीमारी इतनी शदीद थी कि सिर्फ आपका दिल और ज़बान जो है वह इससे महफूज था, बाकी तमाम अज़ा जो है वो गल सड़ गए थे और सिर्फ हड्डियाँ और आपके मसल्स ही बाकी बचे थे। और आप अरसा दराज तक इस बीमारी में मुब्तला रहे, यहाँ तक कि आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि अपना पांव ज़मीन पर मारो और ये चश्मा जारी होगा, इसमें नहाओ, इसका पानी पियो तो तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो ये वही चश्मा है जो यहाँ से नीचे की तरफ जो है ये है, काफ़ी नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं और ये आप देख सकते हैं ये पानी है यहाँ पर। यहाँ कुछ अर्सा पहले तक तो बहुत से जो है वो वॉशरूम्स भी थे, लोग यहाँ आकर नहाते थे, हुकूमत की तरफ से बनाए गए थे, लेकिन अब जो है ये बंद हो चुके हैं। फ़िलहाल इनकी कोई देखभाल तो हमें ऐसा नहीं नज़र आया कि कोई कर रहा है, लेकिन ये चश्मा जो है ये अभी तक मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और ये मनाजिर जो है ये ऊपर के हैं, ये देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं चश्मे तक। इस चश्मे में गुस्ल के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई, उन्हें दोबारा से माल दौलत अता हुई, पहले से ज़्यादा औलाद और फरावानी नेमत उन्हें हासिल हुई। तो ये अल्लाह का करम था जो उन पर यहाँ पर हुआ। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि और ज़मीन में चलो फिरो और हमारी निशानियाँ देखो, और एक जगह आया कि बेशक इनमें अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो बहुत से मकामात और वाक़ियात ऐसे हैं जो हमारे लिए बायस इबरत हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ जो है वो मायल करते हैं। तो बेशक के मकाम ऐसे ही मकामात में से एक है। और ये जनाब ऊपर से मंज़र है उन सीढ़ियों का जो नीचे की तरफ जा रही हैं चश्मे की तरफ। हम चश्मा देखकर ऊपर आ गए, बहुत ही एक अजीब सा तजर्बा था। आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर यहाँ आइएगा। अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं वापसी के लिए। वापसी के रास्ते में फिर हमें जो है कुछ जो है वो मवेशी देखने को मिले, खासा जो है यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक जाती है, रुक रुक के चलती है इनकी वजह से। तो इनसे भी हाय हेलो करते हुए हम वापसी के लिए रवाना हुए। रास्ते में जी हमने अपने एक नन्हे मुन्ने से दोस्त की बर्थडे भी सेलिब्रेट की, हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी थे, तो ये सिलसिला भी चल रहा था, उनकी बर्थडे भी थी, तो बस बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और ये अब हम वापसी के रास्ते पर हैं और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमें बताया गया कि यहाँ करीब ही जो है नीचे की तरफ हज़रत अवैस करनी का रोज़ा भी है। अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बारे में कहा जाता है कि शायद सीरिया में भी है और जॉर्डन में भी कोई है और वो शायद अलामती कब्रें हैं, बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन हम यहाँ आए तो सही, ये एक गाँव की तरह की जगह थी, मगर हमें ये मौका ना मिल सका क्योंकि शाम इतनी हो गई थी। और ये आप दूर देख सकते हैं, एक हरे से रंग की आपको कपड़ा डली हुई एक अहाता नज़र आएगा, इसके अंदर वो कब्र वाकई थी। तो यहाँ हम नहीं जा सके, आगे चले, भूख भी लग रही थी। तो ये जनाब अब हमने यहाँ से ली हैं मिशकाकें, ये स्क्यूअर्स जो होते हैं इसके अंदर छोटी छोटी लैम्ब या चिकन की जो होते हैं पीसेस, उनको इन्होंने पिरोया होता है फैट पीसेस के साथ यानी चर्बी के साथ। और ये यहाँ की जो है ख़ास ओमान की डिश है, बहुत पसंद की जाती है, बहुत मज़े की होती है। कुछ हमने स्क्यूअर्स लिए और ये जनाब है फतायर। फतायर एक किस्म का स्टफ्ड पराठा होता है, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर, बहुत पॉपुलर है, इसको बहुत पसंद किया जाता है। इसमें चीज़ एंड चिकन फिल्ड फतायर भी होते हैं, चॉकलेट फिल्ड भी होते हैं, ज़ातर इनकी एक हर्ब है उसकी फिलिंग के साथ भी मिलते हैं। तो मुख्तलिफ़ फिलिंग्स के साथ ये मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर चिकन फिल्ड है और चीज़ फिल्ड है। तो बस हमने कुछ अपनी पेट पूजा की, खाया पिया और अब जो है वो हमने सोचा कि हम जो है वो वापसी का रास्ता लें।
बहरहाल एक दफ़ा और आपके साथ हम नज़ारा शेयर कर रहे हैं उस रास्ते का जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चश्मे की तरफ जो है वो जाता है। इस नज़ारे को तो हम अब तक भूल नहीं पाए हैं, ये ना भूलने वाला ही नज़ारा है। बे इंतहा खूबसूरत जगह थी और खुदा करे कि कभी आपको भी ये मौका मिले कि आप यहाँ आएँ और इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आपको आज का ये वीलॉग बहुत पसंद आया होगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।